का त्यौहार बेसिकली जो ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि सारे विश्व में मनाया जाता है, और ये प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म के यादगार में हम लोग मनाते हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ उनका पैदा होने का दिन है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया सारी मानव जाति से कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, और सारे जो कि पूरे विश्व के लिए एक शांति का संदेश लेकर आते हैं कि हम सबको एक दूसरे से उतना ही प्यार करना चाहिए, उतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए जितना कि पिता परमेश्वर ने हम सबसे किया। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में आजकल जितनी अशांति, जितना हम सुनते हैं चारों तरफ युद्ध हो रहा है और लोग एक दूसरे से प्यार करना तक भूल गए हैं, तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें फिर से अपने सारे आपसी मतभेद भुलाकर और सारी जो हमारी एक दूसरे के प्रति गलत धारणाएं हैं या किसी भी तरह से हम एक दूसरे को नापसंद करते हैं, वो सब भुला के हम सबको एक दूसरे से बहुत प्रेम से रहना चाहिए। और प्रभु यीशु ने यही संदेश सारी दुनिया के लिए दिया है। परमेश्वर देखिए एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर आए, उन्होंने लोगों के बीच में रहकर उस प्यार को बांटा जो आज हम महसूस करते हैं। और हम भी यही चाहते हैं, ऑल ऑफ क्रिश्चियंस यही चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार बांटें और उसको आगे ऐसी प्यार को लेके चलें और समाज की कुरीतियों को हटाएं और मिलकर रहें, गरीबी को हटाने की कोशिश करते हैं और बहुत सी बातें हैं जो क्रिश्चियंस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और भी समाज है कि सभी एक दूसरे से मतलब मिलजुल कर काम करते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं और प्यार के साथ और भाईचारे के साथ। और परमेश्वर ने देखिए प्यार ही बांटा है, इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि हम सब जो हैं देशवासी एक दूसरे से प्यार ही बांटें। और सारे देशवासियों को मैं आज की इस क्रिसमस की बधाई देती हूँ अपने परिवार की तरफ से, अपनी कलीसिया की तरफ से और समाज की तरफ से। हम सब देशवासियों से यही उम्मीद करते हैं कि सभी इस चीज़ को महसूस करें कि जो धर्म है वो कुछ नहीं है, सिर्फ मन है। अगर आपका मन है अच्छा तो आपके लिए सब त्यौहार, सब खुशियाँ और सब एक। अमन को, प्यार को, भाईचारे को, क्षमा दिलाने की शक्ति और एक दूसरे की परवाह करने के लिए एक सोच विचार, इस मकसद से वो इस धरती पर आए थे। वो ना केवल ईसाइयों का ईश्वर है बल्कि वो सभी मानव जाति का ईश्वर होने के नाते आज हम इस गिरजाघर के प्रांगण में देख सकते ही हैं। ना केवल ईसाई, ढेर सारे अन्य धर्म के श्रद्धालु भक्त आकर मत्था टेक कर बालक यीशु के आशीष पाना चाहते हैं। ये सब इस प्रांगण में इस घड़ी हो रहा है। फिर से मैं आप सबों को इस बड़े दिन के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। खुदा की आशीष
आपके परिवार में, आपके दिलों में, आस पड़ोस में, सबों के साथ बनी रहे।